हाँ जी, राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये देखिए, मतलब ये है 4:30 बजे का क्राउड है। हम नेर चौक मंडी वाले रोड पे निकल गए हैं और पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ बैक साइड तक व्यू। तो अभी जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं मंडी कुल्लू मनाली। तो हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया, हम अराउंड 3:30 बजे निकल गए थे। और बाकी आप वीडियो में बन रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब आप चैनल को कर सकते हैं। तो चलिए निकल गए थे, कितने बजे, 3:30 बजे। तो देखिए अपना रूट स्टार्ट हो गया यहाँ से। अरे अरे भाई साहब, गुड मॉर्निंग, देखो कहाँ हुई हमारी। अरे अरे, आप देख सकते हो तो अपने साथ तो फिर अब घुमा लेते हैं कैमरा। तो दोस्तों हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया, हम अभी नेर चौक मंडी से निकले हैं जस्ट। और आप देख सकते हैं। तो भाई फिर क्या बोलते हो, मतलब कि क्या एक्साइटमेंट है कोई? बहुत ज़्यादा, पहला बाइक ट्रिप है। हाँ, हम जा रहे हैं, हाँ, द मेन थिंग इज़ कि हम जा रहे हैं 220 अपनी पल्सर पे। और पहली बार मैं लंबा टूर करने जा रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम हमारा मतलब जो लॉन्ग ट्रिप था, मतलब ऐसे ऐसा लॉन्ग ट्रिप हमने पहले नहीं करा है, तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और आगे जाके करना क्या है वो भी पता नहीं है, कहाँ जाके निकलना है, बस इतना पता है मनाली जा रहे हैं, वहाँ से कहाँ को कहाँ होना है कोई पता नहीं है। हाँ, मतलब हमें कोई भी अभी अनप्लान ट्रिप कहते हैं ना जिसे, बस वही है। तो अभी हम मारने वाले हैं मनाली के लिए राइट। सो वी आर ऑलवेज राइट, मनाली। सो आप देख सकते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग निकल चुके हैं। एंड भाई, भरते हुए चंडीगढ़ पंजाब वाली बाव सारे भरते हुए, ओवरटेक लेने जो के है नहीं है ये रोड ते। बहुत बुरा हाल हो गया। और भाई साहब 10 मिनट हो गया हमें इस बस से, हम ओवरटेक ले नहीं पा रहे हैं, ऐसी कोई आई नहीं रही लोकेशन। और इस साइड लगा हुआ है रोड का काम, तभी सारे रोड का सत्यानाश। पर सत्यानाश तो है, लेकिन थोड़े टाइम में उबर के आएगा नहीं बढ़िया। तो भाई लोग, हमने फिर से एक और हॉल्ट ले लिया, हम दोबारा रुक गए। और मैं आपको बता दूं ना, ठंड हो गई है, ठंड तगड़ी है। मतलब हमारे हमीरपुर में और मतलब हिमाचल के उस साइड, हम हमीरपुर वाली साइड जरा भी मतलब ठंड का सीन नहीं है। और यहाँ पे हाथ गंदे हो गए मेरे, क्लच दबा के। तो देखो भाई ने जैकेट डाल ली है, मैंने भी डबल, मतलब ये मई महीने का सीन बता रहे हैं आपको। और ये देखिए बसेस ट्रैवलर कितने चल रहे हैं, और ये हमारे राणा। BB10 लुधियाना नंबर अपनी बाइक का बंदे आई पाड़ी। क्यों डर रहे हो, आपकी तरफ नहीं है इसका ध्यान। देखो आपस में खेल रही है। तो हाय दोस्तों, हे ब्रो, आर यू एंजॉयिंग? हाय। जो नोगी वाला पुल है ना, नोगी वाला, हम वहाँ पहुँचे हैं अभी। और इसके बाद हम मतलब सीधा कुल्लू वाले रोड पे निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंड तगड़ी, और हमने डबल डाला हुआ है। कई बंदे हाफ स्लीव में वैसे घूम रहे हैं, पर वैसे वो गाड़ियों में आए हैं, और हमारा टू व्हीलर है तो थोड़ा होता ही है ना, है ना, यू नो व्हाट आई मीन। भाई चल तो हम रहे हैं ना, बट लाइट थोड़ा कम लग रही है मेरे को इसकी। देखिए फोटोशूट चला हुआ है यहाँ पे। और अभी हम पहुँच गए हनोगी माता टेंपल, और इतनी तेज़ हवा चली हुई है कि आप देख सकते हैं मेरे बाल वगैरह। और मतलब इस मंदिर की मतलब इतनी मान्यता है कि जो कोई भी है पहले यहाँ पे माथा टेकता है, तब जाके आगे गाड़ी चलती है। पे माथा टेक के नहीं जाते हैं उनके लिए थोड़ा शुभ नहीं माना जाता है ये।
बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी है टू व्हीलर के लिए, लेकिन चलो हम तो चलो इतना सा सहन कर लेते हैं। लेकिन क्राउड क्राउड यार बहुत हो गया है, पर चलो सेफ सेफ सेफ्टी होगी लगता है, बंदा बंदे को हुआ कुछ नहीं। बाकी इस साइड देखेंगे तो ये सर मैं बताता हूँ आपको राफ्टिंग के, मतलब ये कुल्लू से काफ़ी पीछे से स्टार्ट हो गया था, मतलब ये राफ्टिंग वगैरह करवाने वाले है ना, और हिचकी आ रही है मुझे, मुझे लगता है मेरा कुछ आने वाला, मुझे बहुत याद कर रहा है, बहुत याद कर रहा है। तो हम पहुंचे हैं 15 मील जगह है ये, और यहाँ पे मतलब छोटी सी पुली है, तो यहाँ से क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, और आगे बहुत ही मस्त लोकेशन है, तो हम भी जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, ये 15 मील का पुल है, और आगे निकलेंगे हम जहाँ पे क्रिश मूवी की शूटिंग हुई है, तो वहाँ जा रहे हैं, तो ट्राई करते हैं कि आपको ले चलते हैं साथ में। पता क्या बात है, जो क्रिश मूवी में ना हृतिक रोशन था ना, वो ऐसे ऐसे छलांगे ना पता कैसे लगाता था, मैं बताता हूँ आपको ऐसे, एक मिनट में फोन रख लेता हूँ, ऐसे वो ना ऐसे चढ़ चढ़ के ना, ओ भाई मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, पर मतलब तरीका बता रहा हूँ ऐसे होता था। क्रिश मूवी में ना हृतिक रोशन जो है ना वो छलांगे छलोंगे लगाता है ना, वो यहीं 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 बस यहीं बस यहीं 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 इसी जगह पे हुआ है वो वाला सीन भाई। रिजॉर्ट है कि यहाँ पे पहुँचे हम, और यहाँ पे कुछ मूवीज़ वगैरह की शूटिंग हुई है, जैसे कि ट्यूबलाइट मूवी की कह रहे हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ आपको बताते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आई ये जगह, और मतलब स्टे वगैरह भी कर सकते हैं, और बाकी चलो ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा, और पीसफुल जगह है एकदम, मज़ेदार मस्त 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 आए लाची में बता रहा हूँ, आ जाओ भाई साहब। अच्छा ये देखिए एकदम से आपको जन्नत की शहर कराएंगे, हाय हाय मतलब मेरे को तो मतलब ये हाय हाय ये बाइक बहुत पसंद आई यार, माय गॉड माइंड ब्लोइंग। अरे दोस्तों चेक आउट द वाइब, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तुम नहीं फील कर सकते हो जो मैं फील कर रहा हूँ, पर हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ आपको फील करवाने की। आप आवाज़ सुन रहे हो, कोई डरावनी आवाज़ नहीं है, बहुत काम बंदे को काम करने वाली, पीसफुल। आपको बता दूँ उस साइड रिवर बगा दी यू नो बट आई मीन बगा दी है ना, एंड इट्स गोइंग फ्रॉम दिस साइड से बग रही है ये, एंड आगे जाके आप समझ रहे हो कहाँ पहुँच रही है, तो सो यू नो वट आई मीन। सो आपको बताते हैं अभी हम खाएंगे खाना, एंड वीडियो यार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो बनता है। Yeah.
ऐसा ऐसा सीन है, पीछे गाड़ी वाले ऐसे इस पुल पे क्रॉसिंग होती है। आपकी जैसे कोई हायर करनी है तो उसके क्या प्राइसेस है? हमारे पास तो इस टाइम स्टैंडर्ड है 500 cc। अच्छा, हाँ जी। इनमें किलोमीटर का हिसाब होता है ना आपका? नहीं, पर डे के हिसाब से। कितने चार्जेस? 1500 रुपये डेली का। हाँ जी। बस कर पीछे लाए दे। राम राम। मैं देखे गाड़ी नंबर पीछे हट गया। ओके रे 12 लाचा पास। ठीक ठाक है, बढ़िया। राम राम। ताई दोनों जने इकट्ठे चले गए हैं। मैं बोले नहीं फिर मैं बोला बंदा कौन हां बंदा लगाई ता आवाज अंकु दी है ही पर पता नहीं पई हुन फोन नच गई ही गाड़ी फोन नच के कितना फोन नच गए 8900 नहीं ये 100 की क्रिस्ट ऐसा ऐसा ज्यादा आप भी जाओ एंजॉय करो, बहुत ज्यादा बर्फ है ऊपर और मजा आएगा। ये भाई, ये भाई अपने हमीरपुर से हैं और हम इनके साथ अभी किन्नौर रामपुर अपना सारा कल्पा साइड घूम के आए और भाई अचानक मिल गया तो मैंने हाथ मार दिया। जरूर जाएं 12 लाचा पास। ठीक है।